ऑर्डर से आपको बोलिए ना, 2700 में घर चलता है कहीं? नहीं ना, बताइए 9000 में घर चलता है क्या? ना ना, चलाकर बताइए, अपने मंत्रियों को बोलिए ना, आप चलाकर बताइए। नहीं मेरा तो चल जाता, फकड़ आदमी मैं, फकड़ आदमी हूँ, जमीन पर सोता हूँ। फकड़ आदमी जंगल में यहाँ थोड़ी मंदिर में बैठे होते हैं, फकड़ आदमी थोड़ी, इनके तो परिवार, आप तो फकड़ हो गए पर ये परिवार वाले सारे खड़े हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये थोड़ी फकड़ बन जाएंगे। आपको बोलिए ना, 2700 में घर चलता है कहीं? नहीं ना, ना बताइए, 9000 में घर चलता है क्या? ना ना, चलाकर बताइए, अपने मंत्रियों को बोलिए ना, आप चलाकर बताइए। नहीं मेरा तो चल जाता, फकड़ आदमी मैं, फकड़ आदमी हूँ, जमीन पर सोता हूँ। फकड़ आदमी जंगल में यहाँ थोड़ी मंदिर में बैठे होते हैं, फकड़ आदमी थोड़ी, इनके तो परिवार, आप तो फकड़ हो गए पर ये परिवार वाले सारे खड़े हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये थोड़ी फकड़ बन जाएंगे। आपको बोलिए ना, 2700 में घर चलता है कहीं? नहीं ना, ना बताइए, 9000 में घर चलता है क्या? ना ना, चलाकर बताइए, अपने मंत्रियों को बोलिए ना, आप चलाकर बताइए। नहीं मेरा तो चल जाता, फकड़ आदमी मैं, फकड़ आदमी हूँ, जमीन पर सोता हूँ। फकड़ आदमी जंगल में यहाँ थोड़ी मंदिर में बैठे होते हैं, फकड़ आदमी थोड़ी, इनके तो परिवार, आप तो फकड़ हो गए पर ये परिवार वाले सारे खड़े हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये थोड़ी फकड़ बन जाएंगे। हमें मछली की तरह तड़पाते हैं, हमारे बच्चों को मछली की तरह ये तड़पाते हैं लोग, हमें रात को नींद नहीं आती और हमें खाने के लिए कुछ नहीं और हमें कोई काम धंधा नहीं है। हमें मछली की तरह तड़पाते हैं, हमारे बच्चों को मछली की तरह ये तड़पाते हैं लोग, हमें रात को नींद नहीं आती और हमें खाने के लिए कुछ नहीं और हमें कोई काम धंधा नहीं है। हम कुछ नहीं मांगते हैं गवर्नमेंट से। हम सब आपके साथ हैं। देखो, चाहे जम्मू कश्मीर में होम गार्ड्स हों, चाहे हमारे डेली वेजर्स हों, रैबरे ज़रात, रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, MG नरेगा के लोग हों, ये जो सारी परेशानियाँ पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, मैं खुद कभी कभी, मेरे मन में बड़ी परेशानी और तकलीफ़ होती है जब भी आपको देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि आपके मसले हल हों, और इसलिए मैं हर अपने कार्यक्रम में, हर बयान में आप सबका जिक्र करता हूँ। आपने देखा होगा मैं हमेशा होम गार्ड्स का, चाहे आप हों नहीं हों, कमला जी को मालूम है, मैंने खुद गृह मंत्री जी से भी बात की थी। ऐसा नहीं है कि ये जो रिव्यू लेटर्स निकले हैं खुद निकले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमला जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत आयरन लेडी है, मैं इनको बोलता हूँ आयरन लेडी, एक लेडी होके इन्होंने जिस तरीके से होमगार्ड की आवाज़ बुलंद की है अपने हक के लिए और जेन्युइन हक के लिए, मैं इनकी हमेशा तायीद करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ। इसी तरीके से होमगार्ड के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं, अब जो डेली वेजर्स हैं, देखो PHE वाले हों, PDD के हों, या MG नरेगा के हों, या जो बाकी डिपार्टमेंट, रैबरे खेल हो, रैबरे जंगलात हो, MG नरेगा हो, ये तमाम लोग अगर डिपार्टमेंट के अंदर एजिटेशन या स्ट्राइक पर चले जाएं दो दिन के लिए, तो पूरा काम काज ठप हो जाता है, चारों तरफ जनता में हाहाकार मचती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट इन लोगों से चलता है। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब को बड़ी संजीदगी के साथ इन तमाम मसलों को देखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या है इन सारे, चाहे डेली वेजर्स हैं या बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इनको, जैसे पहले की सरकारों ने इनके साथ धोखा किया, NC कांग्रेस वालों ने, PDP वालों ने, हम वैसा नहीं कर सकते। हम, हमारे दिल में इनके लिए दर्द है। हम चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं डेली वेजर वाले, वो कहते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र करते हैं और छोटी छोटी बच्चियां अपने साथ लेके आते हैं, तो एक इंसान होने के नाते से मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। सर आज भी मैं चाहता हूं कि ये सुनो ना, वो बेटी बचाओ, वो बेटी, सुनो ना, वो फाइल भी हमको नहीं दे रहे, तो इसीलिए एक मिनट, इसलिए अभी सुनो ना, एक मिनट देखो, अभी जो मैं, हमारी जो फार्मर मिनिस्टर हैं प्रिया सेठी जी, ये आपके साथ सिटिंग करके डीपकाम साहब के साथ बात करेंगे और रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, अगर यहाँ से मसला हल होता है तो ठीक, नहीं तो फिर से हम दरवाज़ा खटखटाएंगे कमला जी को। भैया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमें सीधा अमित शाह जी से, हमारा अगर BDC वालों को सुनील शर्मा जी मिला सकते हैं, हमने मिलाया, हमने मिलाया, मिलाया नहीं, तो आप हमारे जम्मू के हेड हो, पूरे जम्मू कश्मीर के, आप हमें लेके क्यों नहीं जा सकते हो? हमें एक बार अमित शाह जी के पास मेरी जाना है। सुनो, हम लोग आपका वहाँ एक मीटिंग, आपको पहले पता है कि आप, मैंने जब MLA के नाते भी, मैंने आपको याद होगा उस वक्त भी कमला जी, चाहे चीफ मिनिस्टर के साथ एक बार मीटिंग थी हमने कराई, LG साहब को से मैं आपकी मीटिंग, चाहे
सतपाल मलिक साहब थे, मुर्मू साहब थे, आपको याद होगा, हमने हमेशा किया, मिलाया, हमारी कोशिश है। हम जनता को आपसे उम्मीद है ना, उम्मीद है ना सर, एक्शन का समय है, वो एक्शन कब होगा? देखो, देखिए मेरी बात सुनिए, हमने हमेशा कोशिश करके इनका समस्या का समाधान करते हैं, हमारा तो प्रयास है। देखिए मेरी तो सरकार है नहीं कि बीजेपी का की गवर्नमेंट हो, बीजेपी का चीफ चीफ मिनिस्टर, मेरी सरकार सुनो, मेरी सरकार होगी तो पहली कैबिनेट में ये फैसले नहीं हल करूंगा तो बोलना, अगर मेरी सरकार होगी। हाँ, मैं इनके साथ हूँ हमेशा। माननीय सांसद महोदय, मीडिया के सामने हाथ जोड़ के बता देना चाहता हूँ, माननीय पीएम साहब 2014 के अंदर वादा करके गया था कि मैं पीड़ा समझता हूँ सबकी, और माननीय महोदय साहब संसद होने के नाते तैयार हैं, संसद में बिल पारित करवाइएगा। तो वादा कहाँ पर है? चलो यहाँ से जो कागज, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 2014 में उन्होंने वायदा किया था सर, सरकार भी तो आप ही लोगों की है, सरकार देखिए जम्मू कश्मीर में अभी भाजपा से उम्मीद है, अभी जम्मू कश्मीर में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है, जम्मू कश्मीर में अभी रविंदर रैना की सरकार नहीं है। जिस दिन रविंदर रैना की सरकार होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करके आपको दूंगा पक्का। लेकिन प्रिया शेट्टी जी, चलिए नहीं, यहाँ की सरकार केंद्र की, केंद्र की सरकार 2014 में कहा था अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी डेली वेजर होमगार्ड को उनका अधिकार मिलेगा। प्रधानमंत्री सुनो ना, सुनो, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फाइल भेजो, यहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं इनकी फाइल मेरे पास भेजो, मैं ओके करूं, तो फाइल नहीं भेज रहे हैं। कितने साल लगेंगे? तो यहाँ से कितने साल लगेंगे भेजते हैं? कौन भेजेगा? अच्छा ठीक है सर, आपकी सुई सिर्फ सीएम पर क्यों अटकी हुई है सर? क्योंकि सरकार ने फैसला लेना है, फैसला किसने वायदा किया था केंद्र में? मेरा वायदा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का वायदा, हमारे मजबूत इरादे हैं, प्रधानमंत्री जी का, हमारे वादे नहीं इरादे हैं, इरादे प्रधानमंत्री जी ने इरादा किया था सर 2014 में सर। लेकिन प्रधानमंत्री जी तक कोई फाइल तो ले जाए, प्रधानमंत्री उनकी बात भी जनता की पहुंचाते हैं, प्रधानमंत्री जी तक है ना लूप होल, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी तक फाइल तो पहुंचे पहले, चलो आपको रविंदर राणा जी हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं, रविंदर राणा जी आप भागते हैं, कसम से भागिए मत। मैं कहाँ भागता हूँ, रुको जी, रुको रुको, एक मिनट रुको जी, रश्मि जी बिल्कुल सर, आपसे जनता को उम्मीद है ये कहेंगे, आपसे जनता को उम्मीद है, तभी हम बार बार आपसे सवाल करते हैं, हम कहते हैं आप 2014 में प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, आपके केंद्र में सरकार, भाई दो मिनट रुको ना, हमारी गाड़ी के नीचे लेना क्या? नहीं नहीं, सवाल नहीं पता, जाम लग गया रश्मि जी, पीछे जाम लग गया, नीचे नीचे आ जाओगे, हम भी किसी की बेटी हैं सर, रोको जी, रोको रोको, लो जी रश्मि जी, क्या बात, हम कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी अगर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अटकी क्यों है मुख्यमंत्री पर, हम कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी को वायदा याद करवाइए। मेरे को एक बात बताओ रश्मि जी, एक बात बताओ जी सर, जब चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री होगा जी, जो स्टेट मैटर्स है, स्टेट के जो इश्यूज है जी, उसका हेड कौन होता है जी, मुख्यमंत्री, तो जब वो साइन करेगा तो नेचुरली फाइल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएगी। देखो ये कहा, अमित शाह साहब तो धाकड़ आदमी है, धारा 370-35 से रोड़ा, वो रोड़ा तो खत्म हो गया, पर जनता क्यों सड़कों पर, ये सवाल हमारा है, डेली वेजर आप पर विश्वास करते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, वहाँ नहीं गए, मैं इनका मसला हल करूंगा सर, होमगार्ड वर्दी इन्होंने पहनी सर, देखिए घुमा के, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वर्दी पहनी हुई, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये वर्दी वाले भी है और वो वर्दी वाले, और मैं खुद भी वर्दी आपके साथ, ये भी वर्दी वाले, और आपको आपको नहीं पता मैं भी वर्दी वाला हूँ, बिल्कुल, तो फिर आपको दर्द नहीं समझेगे तो कौन समझेगा, तो इसलिए मैं इनके बीच में हूँ, दर्द समझता हूँ सर, करीना इनकी आवाज जी, आप इलेक्ट्रिक गवर्नर साहब को बोलिए ना, 2700 में घर चलता है कहीं? नहीं ना, ना बताइए, 9000 में घर चलता है क्या? ना ना, चलाकर बताइए अपने मंत्रियों को, बोलिए आप चलाकर बताइए, नहीं मेरा तो चल जाता, फकड़ आदमी, मैं फकड़ आदमी हूँ, जमीन पर सोता हूँ, फकड़ आदमी जंगल में, यहाँ थोड़ी यहाँ मंदिर में बैठे होते हैं, फकड़ आदमी थोड़ी, इनके तो परिवार, आप तो फकड़ हो गए, पर ये परिवार वाले सारे खड़े हैं,
तो ये कहाँ जाएंगे, ये थोड़ी पकड़ बन जाएगी। बताइए सर, सर ये थोड़ी भाई मेरे, हमें गाड़ी के नीचे बात लेना, हमारा भी परिवार है, हम कोई मंत्री नहीं है, हम भी। आपने देखा, आपने रविंदर रैना जी से सवाल पूछा इन लोगों ने, हमने कहा ये वर्दी वाले भी हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे ये वर्दी वाले, उनके साथ भी वर्दी वाले, और जिन्होंने आज इनको रोका पुल पर वो भी वर्दी वाले, और हमने उनसे सवाल पूछा, सर आप लोगों पर भरोसा है तो आप लोगों पर उम्मीद करते, कहते मैं फक्कड़ हूँ, तो फक्कड़ हो तो मंदिर में बैठी है ना, आप कहते बाबा ये फक्कड़ थोड़ी है, इनका तो सर परिवार है, ये कहेंगे ये परिवार वाले हैं, आप फक्कड़ है पर ये परिवार वाले, ये फक्कड़ नहीं है, तो कहा जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बात जरूर रखें, क्योंकि हम बात बार इसलिए कहते हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने होमगार्ड के साथ वायदा किया था कि केंद्र में अगर सरकार आएगी सबसे पहले आपका मसला हल होगा। केंद्र में सरकार आई प्रचंड बहुमत के साथ, डेली वेजर के साथ भी और इनके साथ भी धोखा हुआ है, तक ये लोग सड़कों पर है और ये लोग वर्दी पहनते पूरी ड्यूटी देते हैं 2700 रुपए में। रविंदर रैना जी ने माना कि 2700 रुपए में घर नहीं चलता, ना ही 9000 में चलता है, तो फिर अगर पता होकर भी आप इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं तो खुद सोचिए ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हमारे इन भाइयों को इंसाफ मिल सके। जी कुछ कहना चाहते हैं? धारा 370 और 35A के हटने के अंदर तमाम जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के अंदर एक विश्वास था कि अब बिगड़े हुए काम जो सुधरेंगे, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वैसे के वैसा ही, सिर्फ हमें मछली की तरह तड़पाते हैं, हमारे बच्चों को मछली की तरह ये तड़पाते हैं लोग, हमें रात को नींद नहीं आती और हमें खाने के लिए कुछ नहीं और हमें कोई काम धंधा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते हैं गवर्नमेंट से, हम फ्री ऑफ कास्ट 365 दिन ड्यूटी करना चाहती है, हम शाना में शाना कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में काम करते हैं, लेकिन हमें 2700 दिया जाता है, हम एक ही डिमांड करना चाहते हैं कि हम 365 दिन तक हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 9 दिन के बाद हमें कोई काम नहीं मिलता है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें फ्री ऑफ कास्ट देश के लिए सेवा करने के लिए लगाया जाए, 365 दिन हमें ड्यूटी दी जाए। तो परिवार कैसे चलाएंगे? परिवार चलाएंगे, फिर ऐसे भी कुछ नहीं मिलना है तो 9 दिन के बाद 2700 में 9 दिन ऐसे भी हम खींचा। रविंदर रैना जी से घर चलता, वो कहते नहीं चलता, मैं फक्कड़ हूँ, ये तो देखो, वो सच बोल रहे हैं, हम फक्कड़ हैं। देखो फक्कड़ को किसी तरह से, बच्चे होते थे ना उनको पता लगता पीड़ा लगती थी, लेकिन उनका है ही नहीं कोई आगे पीछे, तो सच बोलते हैं, उनको क्या दर्द दर्द है, जिस तन जाने वो दो तन जाने, जिसके बच्चे होते हैं उसको दर्द होता है। हम यही अपील करना चाहते हैं, हमें एक विश्वास है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले पहले अगर हमारा मसला हल कर दे तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करेंगे, नहीं तो जैसे हमें ये तड़फा रहे हैं मछली की तरह तो ऐसे ये भी तड़फेंगे। धन्यवाद। अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि ये डेली वेजर के साथ है, होम गार्ड्स भी है। आज भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर इन्होंने अपना आकर दर्द बयां किया और दर्द जेन्यून है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ वायदा किया था। प्रधानमंत्री जी, या तो आपके नेता आप तक बात नहीं पहुंचाते, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि जिस तरह से रविंदर रैना जी की बातों से लगा, आप देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये कहते हैं 50+ का नारा लेकर चले हैं, क्या इस तरह से 50+ पार कर पाएंगे? अगर हमारी जनता दुखी है, हमारे होमगार्ड दुखी है, हमारे डेली वेजर दुखी है, हमारे NHM के एस्पिरेंट्स दुखी हैं, हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स वो दुखी हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।